नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका इस अपने YouTube चैनल हिम तक पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जारी की हुई एक नोटिफिकेशन, क्योंकि बहुत से लोग जो कमेंट करते हैं कि पंजाब के बारे में हम नहीं बताते आपको, तो सोचा आज पंजाब के बारे में बताते हैं जो वैकेंसी इसमें निकली हुई है। तो वैकेंसी कौन सी है, तो सबसे पहले हम बोर्ड की बात कर लेते हैं। तो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी की गई है। कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, नेम और पोस्ट क्या है वो हम आपको बता देते हैं। तो जुडिशियल सर्विस के एग्ज़ाम आपका होगा और ये एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करेगी ये पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और हाई कोर्ट ऑफ पंजाब हरियाणा, ये इसमें बताया हुआ है। और जो नेम ऑफ द पोस्ट है वो है सिविल जज जूनियर डिवीजन एंड कॉम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्टें भरी जाएंगी। 3 स्टेज आपको क्लियर करने पड़ेंगे, उसके बाद आपका फिर सिलेक्शन हो जाएगा। और क्वालिफिकेशन लास्ट डेट का बेस क्या चाहिए पूरे हम आपको बता देंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको जो भी अपडेट्स होगी वो हम आपके लिए लेकर आ जाए। आपका पहले होगा प्रीलिम एग्ज़ाम जो सभी परीक्षाओं में आप होता है, ये आपका होगा। उसके बाद मेंस होगा, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद फिर ये वाइवा वॉक टेस्ट आपका होगा, इंटरव्यू वगैरह होगा इसमें। उसके बाद फिर आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एडवर्टाइजमेंट नंबर जो है वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 150 इसकी डेटेड 27 मार्च 2019 अप टू, इसमें ये एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ है, ठीक है। और लास्ट डेट जो इसकी वो 8 मई 2019 है, 8 मई तक आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। वैकेंसी एंड रिजर्वेशन की बात कर लेते हैं, तो सिविल जज जूनियर डिवीजन कॉम जुडिशियल मैजिस्ट्रेट की पोस्ट है ये भरी जाएंगे। और नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो 75 पोस्ट ये भरी जाएंगे। तो 75 पद जो है ये जुडिशियल मैजिस्ट्रेट या जूनियर डिवीजन सिविल जज की पोस्ट ये भरी जाएंगे। इसमें आप कैटेगरी वाइज जिनको वैकेंसी को डिवाइड किया हुआ है, तो कौन सी कैटेगरी के लिए कौन सी पोस्ट रहेगी वो हम आपको बता देते हैं। तो जनरल के लिए रहेगी सीरियल नंबर 1 जो है वो 34 जो वैकेंसी ये भरी जाएगी इसमें। और एक्स सर्विस मैन के लिए जो है टाइनलिन डिपेंडेंट ऑन एक्स सर्विस मैन, इनके लिए 4 है। फ्रीडम फाइटर ऑफ पंजाब के लिए एक पोस्ट होगी, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 2 पोस्ट है। फिजिकल हैंडीकैप्ड जो है विजुअल इम्पायर्ड और हेयरिंग इम्पायर्ड, ये आपको कैटेगरी कोड दिया हुआ कि कौन सी कैटेगरी का कोड क्या है, एक एक पोस्ट इनके लिए दी हुई है। अब जो शेड्यूल कास्ट और अदर है जो पंजाब से, उनके लिए एक पोस्ट है। और शेड्यूल कास्ट अदर ESM और पंजाब, इनके लिए 2 पोस्ट ये भरी जाएंगे। तो पूरी जानकारी कौन सी आप या वाल्मीकि मजहबी सिख, इनके लिए भी पोस्ट नो इसमें बताई हुई है, बाकी आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। अब जो ये आपकी स्क्रीन पर आ रही है कैटेगरी कोड, ये नेम ऑफ द कैटेगरी और ये नंबर ऑफ द पोस्ट, ठीक है। तो ये सीरियल नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि इसके लिए पे स्केल क्या होगा। तो पे स्केल होगा 27,700 रुपये से 44,770 रुपये आपकी इसमें सैलरी होगी, पे स्केल की हम बात कर रहे हैं। अब जो मेन होता है इसमें कि जो क्वालिफिकेशन है वो क्या चाहिए, 8/5/2019 मैंने आपको बता दें, डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ लॉ इन एन यूनिवर्सिटी इसमें बताई हुई है। बाकी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसमें क्या क्या करना है वो पूरी जानकारी आपको दी हुई है, कौन से अदर स्टेट या अदर कंट्री के लोग हैं और कौन सी डिग्री वैलिड होगी, तो पूरी जानकारी इसमें आपको दी हुई है। और एक बात और बताइए कि पंजाबी जो आपकी है वो 10th में आपकी होनी चाहिए, ठीक है, ये आपका बताया हुआ इसमें, पंजाबी ऑफ मैट्रिक और रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड ये आपका होना चाहिए। आयु की बात करें, उम्र क्या होनी चाहिए, उम्र 21 से 37 साल तक की, 37 ईयर तक अगर आप है तो फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 8/5/2019 तक। अप्रेज लिमिट जो है कैंडिडेट के लिए 42 साल बताई हुई है। कौन कौन, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट ऑफ ऑल स्टेट, मतलब कि आप सभी अगर किसी भी स्टेट से, तो फिर आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और बैकवर्ड क्लास के लिए ओनली पंजाब जो उनके लिए 42 साल होगी। और इसके बाद जो इसमें बताई हुई एज आपके लिए कौन कौन सी कैटेगरी के लिए क्या है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है। जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, नोटिस है ये आपके लिए कि जो डेट है इसकी वो है ये 8/5/2019 तक आप अप्लाई इसके लिए रात 12 बजे से पहले कर सकते हैं। और जो वेबसाइट है वो ppsc.gov.in ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपने जाना है, लॉगिन करिएगा, रिक्रूटमेंट पे जाएगा, उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करेगा, रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आप अप्लाई करेगा, आपके सिग्नेचर फोटो और जो आपकी जो डिटेल होगी वो आपने भरनी, उसके बाद आप अप्लाई इसके लिए कर पाओगे।
लास्ट डेट ऑफ डिपॉजिटिंग ऑफ द एप्लीकेशन फीस बाय द सिस्टम जनरेटर बैंक चलान जो है इनके लिए लास्ट डेट कब है वो है 15/5/2019 तक आप ये चलान वगैरह करवा सकते हैं अगर वो चलान अगर आप कटवाना चाहते हैं बैंक से। और लास्ट डेट ऑफ हार्ड कॉपी ऑफ ड्यूली फिल्ड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद रेवलेंट डॉक्यूमेंट ये कराने की आपकी डेट होगी 23/5/2019 को 5 बजे तक आप करा सकते हैं। तो वेबसाइट जो है फॉर फर्दर डिटेल्स एंड जनरल इन्फॉर्मेशन द कैंडिडेट में बेस्ट जो है वेबसाइट आपको बताई हुई PPSC.gov.in इस पर आप जाकर इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। टाइम बहुत कम है अभी आपके पास क्योंकि आज अभी 10 दिन का टाइम है आज आपके पास अभी तक क्योंकि आज 28 अप्रैल है तो 10 दिन तक आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल है तो। किसकी है? जसलीन कौर संधू PCS सेक्रेटरी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन पटियाला ये इसमें पूरी डेट दी हुई है ठीक है। तो 5/4/2019 को ये जारी की गई थी 5 अप्रैल 2019 को आज 28 अप्रैल और 28 अप्रैल को हम ये आपको जानकारी दे रहे हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी से आप संतुष्ट होगी। अगर आपका सवाल है कुछ तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और जो भी इन्फॉर्मेशन होगी उसके लिए आप हम तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप दबा लीजिएगा क्योंकि जो भी नोटिफिकेशन जो भी गवर्नमेंट जॉब्स के अपडेट्स आती है वो हम आपके लिए लेकर आते हैं। आज के लिए इतने, नमस्कार दीजिएगा, इजाज़त, धन्यवाद, जय।